नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में कि आज बैंक निफ्टी में किस तरह से मूव हुई, जो नीचे की डाउन मूव हुई उसके पीछे लॉजिक क्या था। तो आज सारे ट्रेड के बारे में चर्चा करेंगे और जो टेलीग्राम में मैंने आप लोगों को जो ट्रेड दिए थे, जो लॉजिक दिए थे, जो चार्ट पोस्ट किए थे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसा कि आज हमने देखा कि सवेरे बैंक निफ्टी जो है एक सुबह के टाइम में मतलब कुछ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, बट वहां पर एक ट्रेंड लाइन जो मतलब इंट्राडे के चार्ट में बनी थी, वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस ट्रेंड लाइन जो है ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस किया और फाइनली जो है एक ट्रेंड लाइन, देखिए वहां पर एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया था इंट्राडे के चार्ट में। और वहां पर मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि अगर ऊपर का लेवल ब्रेक करता तो ऊपर की तरफ हम देखेंगे, अदरवाइज अब हम नीचे की तरफ देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर एक लंबे अप ट्रेंड के बाद देखिए मार्केट में करेक्शन तो बनता है। ठीक है ना, यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट को अभी जो है मतलब इस जो हमारा कल का जो लो लगा हुआ था उसके नीचे हम जो है सेल साइड देखेंगे। तो जो मैंने आपको टारगेट जो दिए हुए थे वो सारे दोनों टारगेट आज अचीव भी हो गए इंट्राडे में ही। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, पहले इसकी हाई और लो की बात करने की। मतलब आज देखिए जो इसकी ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग तो 29,302 पर हुई थी, अच्छी ओपनिंग थी। और जो इसका लो लगा, और इसका लो तो मतलब 28,826 का लगा, हाई जो है 29,624 का, और फाइनली क्लोजिंग जो आई है वो 28,837 की। आप देखने वाली बात यहां पर ये है कि यहां पर देखिए हाई जो है वो 29,624 का और क्लोजिंग 28,837 की। मीन्स ये जो 800 पॉइंट की जो मूव हम देख रहे हैं, ये मतलब एक बैंक निफ्टी के लिए एक मतलब कल के लिए भी एक बेरिश साइन हो सकता है। तो चलिए आइए हम जो है चर्चा करते हैं कि हमने कल की वीडियो में क्या बात करी थी। देखिए सब मैं आपसे जो है तीन दिनों से यही चर्चा करते हुए आ रहा हूं कि हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये बताया था कि जब तक हम ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम बुलिश है, जैसे ही हमने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया हम बेरिश हो जाएंगे। सो फाइनली यहां पर देखिए 15 मिनट चार्ट मैंने यहां पर लगाया है। तो यहां पर देखिए एक बैंक निफ्टी ने जो ओपनिंग हुई थी, यहां पर फाइनली ये देखिए यहां पर एक सपोर्ट था 29,300 के लेवल पर। तो 29,300 के लेवल पर ओपनिंग हुई और वहां से मतलब आधे घंटे के लिए मार्केट जो है ऊपर की दिशा में चला। ठीक है, और उसके बाद फाइनली जब ये लेवल ब्रेक हुआ, देखिए सबसे पहले तो देखिए हमको ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करना होता है, उसके बाद हमको इमीडिएट सपोर्ट देखना होता है कि इमीडिएट सपोर्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये देखिए हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई इसकी, उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट जो है 29,300 का था। फाइनली जब 29,300 का जो सपोर्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद जो आपने यहां पर मूव देखी वो एक वन साइडेड मूव और बहुत तेज मूव थी। वहां पर आपने देखा कि 29,200 की जो पुट थी वो मेरे ख्याल से 60-65 रुपए की पुट थी, वो जो है 300-350-400 के नियर अबाउट जो है वो पुट गई थी। मीन्स आज ऑप्शन बायर ने बहुत अच्छा पैसा बनाया रेदर देन ऑप्शन सेलर। ठीक है, मैंने भी कुछ जो है ऑप्शन राइटिंग आज की थी, तो ऑप्शन राइटिंग में भी हमने पैसे बना लिए थे, बट ऑप्शन बाइंग में हमारे दो ट्रेड ऐसे थे जो टू टाइम्स हुए और जो एक ट्रेड ऐसा था जो थ्री टाइम्स हुआ। मतलब हमने इतना बुक किया, होने को तो 4 times और 5 times भी हुए, बट हमने सिर्फ इतना बुक किया। ठीक है, तो हमारा जो हम प्रॉफिट बुक करते हैं वो मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब यहां पर जैसे मैंने आपको देखिए बताया था कि ये ट्रेंड लाइन ही अब हमारे लिए मेन है। देखिए सिंपल एनालिसिस करिए आप, अगर सिंपल एनालिसिस रखेंगे आप, सिंपल एनालिसिस पे अपने ट्रेड करेंगे तो आप कभी जो है मतलब लॉस लेकर यहां से नहीं जाएंगे। अगर आप अपने एनालिसिस को जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उतना ही ज्यादा आप जो है ट्रेड में उलझ जाएंगे। तो यहां पर देखिए हमारी सिंपल सी एनालिसिस थी कि यहां पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, उसके बाद जो है हम सेल साइड के लिए देखेंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इमीडिएट सपोर्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद हम जो है नीचे की तरफ आए। अब देखिए अब हमको हमारे लिए कल क्या करना है, कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए अगर हम सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो अब हमारे लिए एक नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट जो निकल करके आ रहा है वो निकल के आ रहा है ये देखिए 28,750 का। तो 28,750 का मे भी देखिए कल मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है। अभी 28,837 है तो 100 पॉइंट्स के नियर अबाउट मेरे ख्याल से गैप डाउन खुल सकता है। अगर 100 पॉइंट्स गैप डाउन खुलता है तो यहां से एक छोटी सी बाइंग आ सकती है, इसी का ध्यान रखिएगा क्योंकि एक सपोर्ट है। अब हमको देखिए सेलिंग साइड में कब जाना है, जब ये 28,750 का लेवल ब्रेक होता है। 28,750 का लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा अपना टारगेट अगला रहेगा 28,500 का। मीन्स मतलब 250 की हम यहाँ पर वन वे मूव यहाँ पर देख सकते हैं, 250 पॉइंट की, जब 28,750 का लेवल ब्रेक होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 28,750 के निकल आप 28,700 को लेके चलिए, बिकॉज जो है आप जो है परफेक्ट वहां पर मतलब ट्रेड नहीं पकड़ पाएंगे। 28,700 के नीचे की क्लोजिंग
इसको जो है 28,500 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 28,400 और तीसरा टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 28,350। तो हमारे ये तीन टारगेट जो है नीचे की तरफ होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर की साइड में हमको कब देखना है, ऊपर की साइड में हमको अब यहां पर देखना है, देखिए जब 29,150 का लेवल क्रॉस होगा, 29,150 के ऊपर हम बायर बन जाएंगे। अगर हम यहां पर देखिए ध्यान से देखें तो ये देखिए यहां जहां पर मेरा कर्सर है तो एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं इसको आगे की तरफ ड्रॉ कर दे रहा हूं तो ये देखिए ये जो लेवल निकल के आ रहा है लेवल देखिए यहां पर 29,148 मीन 29,150 का लेवल जो है यहां पर अब जो है इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट देखिए भी यहां से वो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग खुल के या अगर फ्लैट ओपनिंग भी खुलती है तब भी हमको एक वेट करना है यहां तक 28,750 का। 28,750 के बाद यहां से एक छोटी सी बाइंग आ सकती है। देखिए अब हम क्या अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम अपने बाइंग के ट्रेड्स को होल्ड कर रहे थे, मतलब हम कॉल को अपने होल्ड कर रहे थे और आराम से बैठ रहे थे, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अब हमने अपने सेल के ट्रेड होल्ड करने और आराम से बैठना है। अगर हम यहां पर कोई छोटे मोटे बाइंग के ट्रेड लेते भी हैं, कॉल साइड के ट्रेड लेते भी हैं, तो वहां पर हमको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी है। जितने भी पॉइंट मिल जाए आपको, 40 पॉइंट मिल जाए, 50 पॉइंट मिल जाए, 80 पॉइंट मिल जाए, जो भी मिल जाए, बट सेल साइड के ट्रेड में अभी हम देखिए 28,700 के नीचे निकलते हैं तो हम जो है आराम से बैठ सकते हैं सेल साइड का ट्रेड लेकर। तो ये हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान रहेगा। अगर गैप अप ओपन होता है 29,100 के आसपास, देखिए अब मैं तीनों सिनेरियो आपको बता दे रहा हूं, यहां पर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहां पर जो है देखिए 28,750 से सपोर्ट लेकर 100-150 पॉइंट्स की यहां पर जो है 100-150 पॉइंट्स की या 29,150 तक यहां पर जो मूव हो सकती है। अगर यहां पर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको यहां पर 29,150 का यहां पर हर्डल है, 29,150 के आस कोई नेगेटिव कैंडल देखने के बाद आप यहां पर सेलिंग कर सकते हैं। अगर यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होती है और मान लीजिए यहां पर 29,700 के नीचे अगर ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो आपको फर्स्ट जो है एक नहीं कुछ मतलब एक कम से कम नेगेटिव कैंडल देखना है। अगर मतलब आप प्राइस एक्शन का वेट नहीं कर सकते तो आप एक नेगेटिव कैंडल देखिए, एक कंफर्मेशन देखिए, उसके बाद आप यहां पर सेल कर सकते हैं। तो ये हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान है। तो इस ट्रेडिंग प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में। देखिए अगर टेलीग्राम चैनल आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज वहां पर देखिए मैं जो है कंटिन्यू अपने स्टॉक्स वगैरह अपने स्टॉक्स आइडिया वहां पर देता रहता हूं। वहां पर देखिए मैं वहां बताते रहता हूं कि देखिए अभी ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, मतलब चार्ट मतलब आपको एक क्लियर कट मतलब व्यू मिल जाता है। अभी अगर मैं चर्चा करूं यहां पर स्टार्टिंग के ट्रेड की, देखिए मैं आपको कुछ यहां पर बता देता हूं। ये देखिए जैसे मैंने यहां पर आपको पहला ट्रेड यहां पर दिया था, बिकॉज मैं ऑलरेडी यहां पर दो ट्रेड में कर चुका था कॉल साइड के, उसके बाद मैंने यहां पर आपको बताया था। देखिए यहां से सपोर्ट लेने के बाद कुछ यहां से ऊपर जा सकता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है तो नीचे की तरफ आ सकता है। और फाइनली देखिए क्या हुआ अगले चार्ट में, ये देखिए यहां से कम 100 से 150 पॉइंट्स की अप साइड यहां पर मूव हुई, ठीक है। तो यहां पर देखिए बिकॉज ट्रेंड लाइन के नीचे था तो यहां पर हमको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने थे, सो हमने यहां पर प्रॉफिट अपना बुक किया। नेक्स्ट चार्ट की मैं यहां पर चर्चा करूंगा। ये देखिए मैंने अगला चार्ट जो है मैंने आपको यहां पर बताया था कि अब यहां पर एक देखिए ये जो देखिए ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था तो ट्रायंगल पैटर्न का यहां पर ब्रेकआउट हुआ था और यहां पर भी हमने कॉल ली थी, ठीक है। और फाइनली यहां पर सपोर्ट लेकर जो है इसने जो है डाउन मूव की थी। देखिए मैं आपको अगला चार्ट में यहां पर दिखाऊंगा। ये देखिए अब मैंने अगला चार्ट आपको इस तरह से पोस्ट किया था कि अब ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप जो है बाइंग की तरफ देखिए, अदरवाइज अगर इसके नीचे निकलता है तो आप तुरंत जो है सेलिंग कर सकते हैं। ये जो ब्लू रंग की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो यहां पर देखिए फाइनली क्या हुआ, ये देखिए ये जो ब्लू रंग की ट्रेंड लाइन है यहां पर देखिए कितना अच्छा यहां पर ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होने के बाद इमीडिएट सपोर्ट हमारा ये था। तो यहां पर हमने जो है एक टारगेट हमने एक ट्रेड अपना यहां पर बुक किया, उसके बाद हमने फिर जो है ट्रेड में एंट्री बनाई जब इसके नीचे, ये देखिए जब फाइनली ये सपोर्ट ब्रेक हुआ इसके बाद हमने फिर एक ट्रेड बनाया था। ये ट्रेड देखिए कहां तक गया, कितना अच्छा, ये देखिए। और फाइनली अगर आपने यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर अगर आपने लिया होता तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो है बहुत अच्छा यहां पर प्रॉफिट बनाया होगा। अगर आप चार्ट फॉलो करते हैं, देखिए मैं आपको प्रॉपर लेवल तो यहां पर नहीं दे पाता हूं, बिकॉज देखिए मेरे को ऑप्शन ग्रुप में भी लेवल देने होते हैं, मेरे को अपने भी ट्रेड करने होते हैं, सो मैं प्रॉपर लेवल तो यहां पर मेंशन नहीं कर सकता हूं। बट यहां पर देखिए मैं आपको एक ट्रेडिंग जो है मतलब मैं आइडिया दे देता हूं कि मतलब इस तरह से अगर होगा तो क्या होगा, इस तरह से होगा तो क्या होगा, मतलब ये चीज आप मतलब देख सकते हैं। अगर आप मतलब खुद प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक भी देखिए फाइनली जो है अभी यहां पर देखिए सपोर्ट लेवल पर है, अगर इसके नीचे अगर देखिए कल ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हमारा टारगेट यहां पर जो है 580 का हो जाएगा, 585 का। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक।
तो बंधन बैंक भी देखिए मैंने आपको बताया था कि फाइनली यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है और यहाँ पर देखिए एक इसने जो है बेयरिश कैंडल यहाँ पर बना दी है। तो कल हम यहाँ पर जो है मतलब इसको बाय साइड नहीं देखेंगे, इसको हम नीचे ही देखेंगे, सेल साइड 350 के नीचे हम जो है इसको सेल करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 346 और दूसरा टारगेट होगा 340। नेक्स्ट है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले मैं इसको डिलीट करूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ मैंने आपको बता दिया था कल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कि ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। देखिए मोस्टली स्टॉक्स जो है अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहे थे, सो आज बैंक निफ्टी में आज हमको एक डाउनफॉल देखने को मिला है। तो ये देखिए ये इसका रेजिस्टेंस था, तो फाइनली आज जो है देखिए रेड कैंडल ने बनाई है। हमारी बैंक एक्टिव कब होगी? 50 रुपए के ऊपर जब निकलेगा तब हमारी बैंक एक्टिव होगी। नेक्स्ट है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक भी देखिए जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट टॉप ये है, दूसरा टॉप ये है, तो ये आज जो है फाइनली डबल टॉप पैटर्न ने अपना काम कर दिया और यहाँ पर एक बेयरिश साइन जो है मतलब यहाँ पर बन चुका है। अब देखिए अब यहाँ पर हम तब तक बुलिश हैं जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हम जो है इसमें बेयरिश हो जाएंगे और हमारा पहला टारगेट 55 रुपए रहेगा, दूसरा टारगेट 50 रुपए रहेगा। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक भी देखिए अब इसके लिए जो हर्डल है वो 1420 रुपए का है, 1420 रुपए के ऊपर ही हम यहाँ पर बाइंग करने वाले हैं, अदरवाइज अभी हम इसको बाइंग की साइड नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक रेंज बन रही है, देखिए अब यहाँ पर रेंज बननी चालू हो गई है। अब देखिए आप लोगों को एक बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर लेवल मिल चुका है, 1420 के ऊपर देखिए आप बाइंग कर सकते हैं और इसमें जो है 1350 के नीचे आप सेलिंग कर सकते हैं। कल के डेट में अगर यहाँ पर 1370 का लेवल ब्रेक करता है तो आप सेलिंग के साइड में जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक भी यहाँ पर देखिए अभी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास, ये भी देखिए रेंज में है, ठीक है। तो फाइनली अभी रेंज ब्रेकआउट होने दीजिए, आईसीआई बैंक को भी शॉर्ट मत करिएगा, ठीक है। कैंडल तो वैसे एक पूरी बेयरिश बनी हुई है बट यहाँ पर जो है अगर शॉर्ट भी करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको टारगेट जो 4 से 5 रुपए का है, सो इसको मतलब जाने दीजिए। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक भी देखिए यहाँ पर अभी बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है और फाइनली अगर इसको आप ध्यान से देखोगे आज तो यहाँ पर आपको डबल टॉप पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट टॉप ये है, सेकंड टॉप ये है। अब हम इसको बाइंग साइड में देखेंगे 870 रुपए के ऊपर, ठीक है। फाइनली अगर कल ये आज का लो ब्रेक करता है, 800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो हम इसको सेल साइड को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक में देखिए कोटक बैंक ही कैसा आज बैंक निफ्टी का स्टॉक था जिसने मतलब आज ज्यादा मतलब बेयरिश नहीं हुआ, ठीक है। फाइनली अगर आप देखेंगे तो मतलब ये इसका हाई जो हाई लगा वो 1860 का हाई लगा और क्लोजिंग इसकी 1826 की आई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब कल के लो के नीचे आज ये क्लोज हुआ है, इसकी क्लोजिंग अच्छी है, इसको हम बाय साइड देख सकते हैं 1835 रुपए के ऊपर कल के डेट में। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक ने देखिए कल एक ब्रेकआउट दिया था और मैंने आपको यहां पर बताया था कि अब हम यहां पर जो है बाइंग करेंगे, इसको जो है मैंने 220 रुपए के ऊपर आपको बाइंग बताई थी, तो 220 रुपए के ऊपर निकलेगा तब हम इसमें हम बाइंग ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज 210 रुपए के नीचे अगर निकलता है तो हमारा यहां पर पहला टारगेट रहेगा 208 रुपए और 206 रुपए और 204 रुपए। नेक्स्ट हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और फाइनली देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी यहां पर ब्रेकआउट देने के बाद आज फाइनली एक बेयरिश कैंडल बना दी है, तो अभी इसमें जो है बाइंग साइड में हम सिर्फ देखेंगे इसको 252 के ऊपर, ठीक है। तो अगर बाइंग साइड के लिए अगर आप देखना चाहते हो 252 के, देखिए बैंक निफ्टी में अगर देखिए एक दिन की सेलिंग से देखिए आपको पैनिक नहीं होना है, ये बैंक निफ्टी में एक करेक्शन है, ठीक है, और ये करेक्शन कुछ टाइम के लिए चलेगी, हो सकता है 2 दिन चले 3 दिन चले, ठीक है ना। फाइनली फिर जो है ये अपने ट्रेंड में वापस आ जाएगा। सो यहां पर देखिए सोच समझ के ट्रेड कीजिए, विद लॉजिक ट्रेड कीजिए। अगर आप विद लॉजिक ट्रेड करते हैं, विद मनी मैनेजमेंट, विद रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड करते हैं तो आप जो है यहां से अच्छे पैसे बना सकते हैं। और आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, देखिए मैं वहां पर आपको जो है ट्रेडिंग आइडिया देता रहता हूं, वहां पर मैं अपने ट्रेड भी शेयर करता हूं कि मैंने कौन से ट्रेड लिए, कितना प्रॉफिट बनाया, कब बाइंग करी और कब उसमें से एग्जिट हुआ, कितनी क्वांटिटी बुक की, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में बताते रहता हूं। तो अगर आप टेलीग्राम टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना चाहते हैं तो आप वहां पर मेरे चार्ट को फॉलो करके आप जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह देख सकते हैं, ड्रॉ करना सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद।